Your attention, please. Those of you that need translation of Prime Minister Modi's speech, please prepare your translation at this time. Channel 1 for Hindi to English. Thank you. Thank you, President Trump. Thanks a lot. Howdy, my friends. ये जो दृश्य है, ये जो माहौल है, ये अकल्पनीय है। और जब टेक्सास की बात आती है तो हर बात भव्य होनी, विशाल होनी, ये टेक्सास के स्वभाव में है। आज टेक्सास की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इस अपार जनसमूह की उपस्थिति केवल एरिथमेटिक तक ही सीमित नहीं है। आज हम यहां एक नई हिस्ट्री, एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। प्रेसिडेंट ट्रंप का यहां आना अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रतिनिधियों का, चाहे वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, उनका यहां आना और भारत के लिए, मेरे लिए इतनी प्रशंसा में काफी कुछ कहना, मुझे बहुत शुभकामनाएं देना, स्टेनी हॉयर, सेनेटर कॉर्निन, सेनेटर क्रूज और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रगति के बारे में कहा है, जो प्रशंसा की है, वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का, उनके सामर्थ्य, उनके अचीवमेंट का सम्मान है। ₹130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन भारतीयों का ये सम्मान है।
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा भी बहुत से अमेरिकी मित्र आज यहां इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं हर हिंदुस्तानी की तरफ से सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जगह की कमी के कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए। जो लोग यहां नहीं आ पाए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं ह्यूस्टन टेक्सास प्रशासन को भी उनकी भी भरी भरी प्रशंसा करूंगा, जिसने दो दिन पहले अचानक बदले मौसम के बाद इतने कम समय में हालात को संभाला, व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया। और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, ये सिद्ध किया कि ह्यूस्टन इज स्ट्रांग। साथियों, इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी, लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे, एल्लाम सौकियम। सर्वच्छान चल आए, सब खूब भालो, सबु भल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन भारत की कुछ अलग अलग भाषाओं में हमारी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बहुत बड़ी पहचान है। ये हमारी भाषाएं सदियों से हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं
सैकड़ों बोलियां सह अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है। और साथियों, सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारे देश में अलग अलग पंथ, दर्जनों संप्रदाय, अलग अलग पूजा पद्धतियां, सैकड़ों तरह का अलग अलग क्षेत्रीय खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग मौसम ऋतु चक्र इस धरती को अद्भुत बनाते हैं। विविधता में एकता, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी विशेषता है। भारत की यही डाइवर्सिटी हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का आधार है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी प्रेरणा है। हम जहां भी जाते हैं, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी के संस्कार साथ साथ लेकर के साथ चले जाते हैं। आज यहां इस स्टेडियम में बैठे 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा भारतीय हमारी महान परंपरा के प्रतिनिधि बनकर आज यहां उपस्थित है। आप में से कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत में डेमोक्रेसी के सबसे बड़े उत्सव 2019 के चुनाव में भी अपना सक्रिय योगदान दिया है। वाकई ये एक ऐसा चुनाव था जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। इस चुनाव में 61 करोड़ यानी कि 610 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया। एक तरह से अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का लगभग डबल। इसमें भी 8 करोड़ यानी 80 मिलियन युवा तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। भारत की डेमोक्रेसी के इतिहास में सबसे ज्यादा विमेन वोटर्स ने इस बार वोट डाला था और इस बार सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनकर भी आई हैं। साथियों, 2019 के चुनाव ने एक और नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 5 साल के बाद, आफ्टर 6 decades, 60 साल के बाद ऐसा हुआ जब पूर्ण बहुमत के साथ बनी कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ लौटी। ये सब आखिर क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? जी नहीं, मोदी की वजह से नहीं हुआ,
ये हिंदुस्तान वासियों के कारण हुआ है। साथियों, धैर्य हम भारतीयों की पहचान है, लेकिन अब हम अधीर है देश के विकास के लिए। 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि। और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। वी आर चैलेंजिंग आवर सेल्व्स, वी आर चेंजिंग आवर सेल्व्स। साथियों, आज भारत पहले के मुकाबले और तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। आज भारत कुछ लोगों की इस सोच को चैलेंज कर रहा है जिनकी सोच है कुछ बदल ही नहीं सकता है। बीते 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों ने मिलकर हर क्षेत्र में ऐसे नतीजे हासिल किए हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वी आर एमिंग हाई, वी आर अचीविंग हायर। भाई और बहनों, 7 दशकों में देश का रूरल सैनिटेशन 38% पहुंचा था। 5 साल में हमने 11 करोड़ यानी 110 मिलियन से ज्यादा शौचालय बनवाए। आज रूरल सैनिटेशन 99% पर है। देश में कुकिंग गैस कनेक्शन भी पहले 55% के करीब था, 5 साल के भीतर भीतर हमने इसे 95% पहुंचा दिया। सिर्फ 5 साल में हमने 15 करोड़ यानी 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में
रूरल रोड कनेक्टिविटी, यह भी पहले सिर्फ 55% थी। 5 साल में हम इसे 97% तक ले गए। सिर्फ 5 साल में हमने देश के ग्रामीण इलाकों में 2 लाख किलोमीटर यानी 200,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है। भारत में 50% से भी कम लोगों के बैंक अकाउंट थे, आज 5 साल में लगभग 100% परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। 5 साल में हमने 37 करोड़ यानी 370 मिलियन से ज्यादा लोगों के नए बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। साथियों, आज जब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज की चिंता कम हो रही है तो वो बड़े सपने देख पा रहे हैं। उन्हें अचीव करने के लिए सारी एनर्जी उस दिशा में लगा रहे हैं। साथियों, हमारे लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है, उतना ही ईज ऑफ लिविंग का भी। और उसका रास्ता है एम्पावरमेंट। जब देश का सामान्य मानवी एम्पावर होगा तो देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं आपको आज एक उदाहरण देता हूं। साथियों, आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। आप ह्यूस्टन के लोग, ऑयल की जब बात आती है तो इसका मतलब भली भांति जानते हैं। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। इंडस्ट्री फॉर 4.0 का तो सारा फोकस ही डेटा पर है। अगर पूरी दुनिया में, जरा गौर से सुनिए, अगर पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्ध है तो वो देश है भारत। आज भारत में 1 GB डेटा की कीमत है सिर्फ 25 to 30 सेंट के आसपास, यानी $1 का भी चौथाई हिस्सा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 1 GB डेटा की वर्ल्ड एवरेज की कीमत इससे 25 से 30 गुना ज्यादा है। ये सस्ता डेटा भारत में डिजिटल इंडिया की एक नई पहचान बन रहा है। सस्ते डेटा ने भारत में गवर्नेंस को रीडिफाइन भी किया है। आज भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की करीब करीब 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। साथियों, एक समय था
जब पासपोर्ट बनने में 2 से 3 महीने लगते थे, अब 1 हफ्ते से भी कम समय में पासपोर्ट घर आ जाता है। पहले वीजा को लेकर किस तरह की दिक्कतें थी ये शायद आप ज्यादा जानते हैं। आज यूएस भारत के ई वीजा फैसिलिटी के सबसे बड़े यूजर्स में से एक है। साथियों, एक समय था जब नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते थे, अब 24 घंटे में नई कंपनी रजिस्टर हो जाती है। एक समय था जब टैक्स रिटर्न भरना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था, टैक्स रिफंड आने में महीनों लग जाते थे। अब जो बदलाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस बार 31 अगस्त को एक दिन में, मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में करीब 50 लाख यानी 5 मिलियन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरा है। यानी सिर्फ एक दिन में ही 50 लाख रिटर्न, यानी ह्यूस्टन की कुल पॉपुलेशन के भी डबल से ज्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो टैक्स रिफंड महीनों में आता था वो अब 10 दिन में सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। भाइयों और बहनों, तेज विकास का प्रयास कर रहे किसी भी देश में अपने नागरिकों के लिए वेलफेयर स्कीम्स आवश्यक होती है। जरूरतमंद नागरिकों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाने के साथ साथ नए भारत के निर्माण के लिए कुछ चीजों का फेयरवेल भी दिया जा रहा है। हमने जितना महत्व वेलफेयर को दिया है उतना ही फेयरवेल को भी दे रहे हैं। इस 2 अक्टूबर को जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाएगा तो भारत ओपन डेफिकेशन को फेयरवेल दे देगा। भारत बीते 5 सालों में 1500 से ज्यादा बहुत पुराने कानूनों को भी फेयरवेल दे चुका है। भारत में दर्जनों टैक्स का जो जाल था वो भी बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने में रुकावट खड़ी करता था। हमारी सरकार ने टैक्स के इस जाल को फेयरवेल दे दिया और जीएसटी लागू किया। बरसों बाद देश में वन नेशन वन टैक्स का सपना हमने साकार कर दिखाया है। साथियों, हम करप्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसे हर स्तर पर फेयरवेल देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। बीते 2-3 साल में भारत ने 3.5 लाख यानी 350,000 से ज्यादा
संदिग्ध कंपनियों को भी फेयरवेल दे दिया है। हमने 8 करोड़ यानी 80 मिलियन से ज्यादा ऐसे फेक नेम्स को भी फेयरवेल दे दिया है जो सिर्फ कागजों पर थे और सरकारी सेवाओं का फायदा उठा रहे थे। और साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, इन फर्जी नामों को हटाकर कितने रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये यानी तकरीबन 20 बिलियन US डॉलर्स हम देश में एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे। और भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं
हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। थैंक यू दोस्तों। भाई और बहनों, भारत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ करने के इरादे लेकर के हम चल रहे हैं। हमने नए चैलेंजेस तय करने की, उन्हें पूरा करने की एक जीत ठान रखी है। देश की इन्हीं भावनाओं पर मैंने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी। उसकी दो पंक्ति सुना रहा हूं आज। अभी तो समय नहीं है, ज्यादा नहीं कहूंगा।
वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं, समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है। असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है। साथियों, अब भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए, करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाले हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में दुनिया में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट एवरेज 7.5% रही है। और ये भी ध्यान रखिए, पहले की किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का एवरेज देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार एक साथ लो इन्फ्लेशन, लो फिस्कल डेफिसिट और हाई ग्रोथ का दौर आया है। आज भारत दुनिया के बेहतरीन एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है। साल 2014 से 2019 तक एफडीआई इनफ्लो में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में ही हमने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नॉर्म्स को आसान बनाया है। कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी इन्वेस्टमेंट अब 100% तक हो सकता है। मैं कल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से यहां ह्यूस्टन में मिला। भारत ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी का जो निर्णय लिया है, उससे वो सारे के सारे लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए। उनका फीडबैक है कि कॉरपोरेट टैक्स कम करने के फैसले से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस लीडर्स में बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। ये फैसला भारत को और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाएगा। साथियों, भारतीयों के लिए अमेरिकियों के लिए भारत में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए न्यू इंडिया का सफर और प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ इन संभावनाओं को नए पंख लगा देंगे।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने संबोधन में जिन इकोनॉमिक मिरेकल्स की बात कही वो सोने में सुहागा हो गए। आने वाले 2-3 दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मेरी बातचीत होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेगा। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। साथियों, एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा ये फॉरवर्ड मार्च अब और तेज गति से बढ़ने वाला है। आप सभी साथी इसका अहम हिस्सा है, ड्राइविंग फोर्स है। आप अपने वतन से दूर है लेकिन वतन की सरकार आपसे दूर नहीं है। बीते 5 वर्षों में हमने इंडियन डायस्पोरा से संवाद के मायने को और संवाद के तरीके दोनों बदल दिए हैं। अब विदेशों में भारत के दूतावास और काउंसलेट सिर्फ सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि आपके पहले साथी की भूमिका में है। विदेश में काम करने वाले साथियों के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मदद, ई माइग्रेट, विदेश जाने से पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, प्रवासी भारतीयों की बीमा योजना में सुधार, सभी पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड की सुविधा, ऐसे तमाम कार्य किए गए हैं जिन्होंने प्रवासी भारतीयों को विदेश जाने से पहले और बाद में काफी मदद की है। हमारी सरकार ने इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड को भी मजबूत किया है। विदेश में कई नए शहरों में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र भी खोले गए हैं। भाइयों और बहनों, आज इस मंच से जो संदेश निकला है उसकी छाप 21वीं सदी में नई परिभाषाओं को जन्म देगी, नई संभावनाओं को जन्म देगी। हमारे पास समान लोकतांत्रिक मूल्यों की शक्ति है। दोनों देशों में नवनिर्माण के समान संकल्प है और दोनों का साथ हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर जरूर ले जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार भारत आए, हम अपना और आप हमें अपना स्वागत करने का अवसर दें। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका की राजनीतिक, सामाजिक और बिजनेस से जुड़े तमाम लीडर्स को यहां आने के लिए फिर से एक बार हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। टेक्सास की गवर्नमेंट, यहां के प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू ह्यूस्टन, थैंक यू अमेरिका,
May God bless you all. Thank you.